दोस्तों, एक ग्रेट लीडर वो होता है जो हमेशा सबको अपने साथ लेके चलता है, लेकिन एक परफेक्ट लीडर वो होता है जो अपने मेंबर्स का और अपने लोगों का ख्याल भी रखता है। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ किया हमारे BTS के लीडर यानी हमारे RM ने। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से जहाँ पर पॉजिटिव बातें होती हैं वहीं पर नेगेटिव बातें भी होती हैं। और दोस्तों, BTS के लिए भी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें रोज़ देखने को मिलती हैं। और दोस्तों, शुरुआत के दिनों में तो BTS को बहुत ही ज़्यादा हेट मिली थी, जहाँ उनके बहुत सारे फैंस हैं वहीं हेटर्स भी हैं। लेकिन दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि BTS को नेगेटिव कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो हमेशा पॉजिटिविटी को फैलाते रहते हैं। और दोस्तों, इसका बड़ा रीज़न है उनके लीडर यानी RM। दोस्तों, BTS ने जब डेब्यू किया था तो उस वक्त पे सिर्फ RM ही ऐसे मेंबर थे जिन्हें इंग्लिश आती थी। और दोस्तों, ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से RM को BTS का लीडर चुना गया था, क्योंकि दोस्तों, लीडर हमेशा वो होना चाहिए जो हर हाल में अपने ग्रुप को लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सके। और दोस्तों, जब BTS का इंटरनेशनल लोगों से इंटरेक्शन होता था तब RM ही उनको रिप्रेजेंट करते थे। और दोस्तों, ये बात खुद RM ने बाद में रिवील करी थी कि डेब्यू के वक्त BTS को बहुत ही ज़्यादा हेट मिलती थी और उस हेट की वजह से RM को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट भी होता था। कुछ कुछ दिनों तक तो वो उसी नेगेटिविटी के बारे में सोचते रहते थे। लेकिन इसके साथ खास बात ये थी कि वो अपने मेंबर्स को हर्ट नहीं करना चाहते थे और हमेशा उन्हें सपोर्ट करना चाहते थे। और दोस्तों, इसीलिए वो सभी इंग्लिश कमेंट्स को जिनमें भी BTS के बारे में कुछ भी बुरा लिखा होता था उनको ट्रांसलेट कर देते थे पॉजिटिव कमेंट्स में और अपने मेंबर्स को बता देते थे। दोस्तों, एक्चुअली शुरुआती के दिनों में BTS के बहुत सारे फैंस तो नहीं थे, इसीलिए उन्हें बहुत ही थोड़े कमेंट्स आते थे या फिर उनकी वीडियोस पे कोई भी रिव्यू आता था तो सभी मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे कि आखिर उसमें क्या लिखा है। और दोस्तों, क्योंकि BTS की वीडियोस इंटरनेशनली भी चलती थी तो बहुत सारे इंग्लिश कमेंट्स भी आते थे। और दोस्तों, शुरुआत के दिनों में BTS को ज़्यादातर हेटरेड इंटरनेशनल लोगों से ही मिली थी और ऐसे में ये कमेंट्स इंग्लिश में लिखे होते थे। और दोस्तों, जब मेंबर्स RM के पास जाते थे और उनसे पूछते थे कि कमेंट्स में क्या लिखा है तो मेंबर्स को हर्ट ना हो और वो वीक ना पड़े, इसीलिए RM उन हेटरेड वाले कमेंट्स को पॉजिटिव कमेंट्स में ट्रांसलेट करके मेंबर्स को बता देते थे ताकि वो खुश हो जाएं और यूं ही मेहनत करते रहें। और दोस्तों, इसी तरह से RM ने अपने ग्रुप को शुरुआत से ही सपोर्ट करा और उन्हें वीक बनने नहीं दिया। और दोस्तों, यही रीज़न है कि आज BTS इस मुकाम को हासिल कर पाए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी RM की ये बात बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जाने से पहले हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।